हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साउथ एशियन कंट्री के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन दिशा के बारे में जान लेते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ डायरेक्शन और अपोजिट साइड को साउथ डायरेक्शन, राइट हैंड साइड को ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड को वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ये आप जानते ही होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। साउथ एशिया, साउथ एशिया का मतलब है पूरे एशिया के साउथ का भाग। तो पूरे एशिया के साउथ के लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया आपस में भाईचारे के लिए, अपने कल्चर के लिए और अपने ट्रेडिशन के लिए। इन्हीं के द्वारा बनाए गए एसोसिएशन को बोला गया साउथ एशियन एसोसिएशन। फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका मतलब सुन समझेंगे। साउथ एशिया मतलब साउथ एशियन लोगों ने एसोसिएशन बनाया अपने एरिया में कल्चरल एंड ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए। अब ये बनाया क्यों गया और कहाँ बनाया गया? तो अपने एरिया में ट्रेडिशन एंड कल्चर को बनाए रखने के लिए इसे बनाया गया। इसे कहाँ बनाया गया? तो इसे ढाका में बनाया गया। ढाका कैपिटल सिटी है बांग्लादेश का, लेकिन इसका ऑफिस हेडक्वार्टर ढाका में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू में। काठमांडू कैपिटल सिटी है नेपाल का। अब अगर ये एसोसिएशन है तो इसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स इसमें कंट्री है। इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। आगे देखते हैं वो 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं। यहां लिख देते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में सार्क बोलते हैं, SAARC। कब बना? 8 दिसंबर 1985 में। कहां बना? ढाका में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू में। अब देखते हैं इसमें टोटल 8 कंट्री आते हैं। पहला कंट्री है मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडिया अपना प्यारा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, नेक्स्ट नेपाल, भूटान एंड लास्ट बांग्लादेश। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ये सब साउथ एशिया में आते हैं। देखिए साउथ एशियन कंट्री का ही क्या है, एसोसिएशन है, इसमें 8 देश आते हैं। पहला क्या है? मालदीव। मालदीव एक्चुअल में छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और ये एशिया का सबसे छोटा इस्लामिक कंट्री है। इसकी कैपिटल माले है और यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद है। यहाँ का कैपिटल माले है। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका कैपिटल श्री जयवर्धने कोट्टे है और पहले इसका कैपिटल कोलंबो था। यहाँ ज्यादातर बुद्धिज्म रहते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षी हैं और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षी है। यहाँ का कैपिटल श्री जयवर्धने कोट्टे है। श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। नेक्स्ट है अपना प्यारा भारत। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इस्लामा बात।
और यहाँ के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जी हैं, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हमारे चचा इमरान खान है। उनको कश्मीर चाहिए। हम लोग इस समय सावन में मंदिर जा रहे हैं, चप्पल तो अकेला बाहर छोड़ नहीं रहे, इनको लगता है हम लोग कश्मीर छोड़ देंगे। 1971 में ये अपना पूर्वी पाकिस्तान गवा सकते हैं, जो प्रेजेंट में इस समय बांग्लादेश है, और ये कश्मीर लेने का सपना देख रहे हैं। आगे चलते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट इस समय अशरफ घनी जी हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ घनी जी। नेक्स्ट आते हैं नेपाल पे। नेपाल, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। नेपाल का कैपिटल काठमांडू, काठमांडू है। और यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी हैं, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेर दिगुआ बहादुर हैं। और पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली थे, तख्ता पलट हो गया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं भूटान में। भूटान का कैपिटल थिम्पू है। भूटान एक बुद्धिज्म कंट्री है, और बहुत ही शांति प्रिय एंड पॉपुलेशन फ्री देश है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग जी हैं। आगे चलते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये था टोटल सार्क के 8 मेंबर्स। कौन कौन है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगले वीडियो में हम कोई नया एसोसिएशन लेकर आएंगे और उसके बारे में जानेंगे। जय हिंद।